नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 96वां स्थापना दिवस मनाया। विजयदशमी पर कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सशस्त्र पूजा की। स्वयंसेवकों ने कार्यालय के मैदान में ही पथ संचालन किया। इस मौके पर करीब 200 स्वयंसेवक मौजूद रहे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश का विभाजन अत्यंत दुखद इतिहास रहा है। विभाजन का दर्द आज भी याद आता है। नई पीढ़ी को विभाजन का इतिहास जानना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि त्याग और बलिदान के बाद हमें आजादी मिली है। हर वर्ग के लोगों ने आजादी के लिए बलिदान दिया है। अलगाव से विभाजन हुआ, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही संघ प्रमुख ने जनसंख्या असंतुलन पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनसंख्या असंतुलन समस्या बन सकती है। जनसंख्या नीति पर दोबारा विचार करने की जरूरत है, क्योंकि स्वतंत्रता क्यों चाहिए इसके बारे में भी अपने देश में संघर्ष हुआ स्वतंत्रता के लिए। संपूर्ण भारत में समाज के सभी वर्गों से, देश के सभी क्षेत्रों से लोगों ने परिश्रम किए, संघर्ष किए, बलिदान दिए, त्याग और बलिदान के हिमालय खड़े किए। स्वतंत्रता और परतंत्रता, इसके बारे में सबकी कल्पनाएं समान सी थी। और जिस दिन हम स्वतंत्र हुए, उस दिन स्वतंत्रता के आनंद के साथ साथ एक अत्यंत दुर्धर वेदना भी हमने अपने मन में अनुभव की। वो टीस अभी तक गई नहीं है, अपने देश का विभाजन हुआ, अत्यंत दुखद इतिहास है वो। परंतु उस इतिहास के सत्य का सामना करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। जिस शत्रुता और अलगाव के कारण विभाजन हुआ, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। उसकी पुनरावृत्ति टालने के लिए और खोई हुई हमारी अखंडता और एकात्मता को वापस लाने के लिए उस इतिहास को सबने जानना चाहिए, विशेषकर नई पीढ़ी ने जानना चाहिए। क्योंकि अब जो पीढ़ी है वो उसके बाद उसने जन्म लिया है, उसको जानना चाहिए ताकि उसकी पुनरावृत्ति न हो, खोया हुआ वापस आ सके, खोए हुए बिछुड़े हुए वापस गले लगा सके। तो एक सब लोग आजकल कहते हैं, पहले इतना नहीं कहते थे, आजकल कहते हैं, वो कहते हैं ये जनसंख्या क्या क्या करेंगे, बढ़ती जा रही। तो जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। अपने यहां विचार हुआ है, एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, दो बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, ये सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि दो बातें, सारी बातों का विचार करना। अभी हमारे देश में, हमारा युवाओं का देश है, 57% युवा है। 30 साल के बाद ये सब बूढ़े बनेंगे, उनको खिलाने के लिए भी हाथ लगेंगे। कितने हाथ लगेंगे, कितने लोगों को खिला सकेंगे, और उस समय जितने लोगों को खिलाना है उसके लिए काम करने वाले कितने लगेंगे, दोनों बातों का विचार करना पड़ेगा। एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए। क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है। अभी अभी जम्मू कश्मीर में होकर आया, वहां सामान्य जनता को 370 हटने के अच्छे लाभ मिल रहे हैं, उसको तो मानते हैं। लेकिन और आगे बढ़ते हुए उनका देश के साथ सात्मीकरण हो, इसके प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। मन से एक होना चाहिए, भारत से किसी भी भारतीय के रिश्ता लेन देन का नहीं है। हम भारत माता के पुत्र हैं, हम भारत के अंग हैं। कश्मीर की जनता को, उसके मन में उस भावना को हमको विकसित करना पड़ेगा। इस दृष्टि से शासन के, समाज के, दोनों के प्रयास चल रहे हैं और बढ़ने चाहिए, उसमें गति आनी